नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको प्रदर्शन का आह्वान किया था। किसान यूनियन चाहती है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन की योजना बनाई ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरकार और किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला। किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। देश भर में रोकी गई रेल। पटरियों पर बैठे किसान। दो दर्जन ट्रेनों पर दिखा असर। बीते 80 से ज्यादा दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही। यही वजह है कि किसान लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकार ये तीनों बिल वापस ले ले। इसी को लेकर आज किसानों ने रेल रोको प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसका असर देश भर में देखने को मिला। हालांकि किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर रेलवे पहले से ही अलर्ट पर था। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। किसानों का ये प्रदर्शन 12 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक रहा। 12 बजे से किसानों ने रेल पटरी पर उतरकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए थे। वहीं पंजाब के अंबाला में सैकड़ों किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। कोटा में भी देशव्यापी किसानों का रेल रोको आंदोलन देखने को मिला। किसानों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम किया। किसान गुड़ला स्टेशन के पास गामच फाटक पर रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। वहीं रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही रेलवे सुरक्षा कर्मियों की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की थी। कई संवेदनशील जिलों में स्टेशनों के बाहर पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी। रेल रोको आंदोलन के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पटरियों पर दिल्ली पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था। दिल्ली के अंदर किसी भी रेलवे ट्रैक पर कोई किसान नहीं नजर आया। वहीं उड़ीसा के पुरी से चलकर उत्तराखंड के हरिद्वार जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया था। दरअसल मोदीनगर स्टेशन पर किसान ट्रैक पर बैठे थे, लिहाजा गाजियाबाद में ही इस ट्रेन को रोक दिया गया था। हरियाणा के चरखी दादरी में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों को जलेबी और चाय पकौड़े परोसे गए। लेकिन ऐसे में अब सोचने वाली बात ये है कि किसान जिस तरह से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, तो क्या सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।